अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएचपी डीएनएस गेट रिकॉर्ड फंक्शन। द डीएनएस गेट रिकॉर्ड फंक्शन इज एन इनबिल्ट फंक्शन इन पीएचपी व्हिच रिटर्न्स डीएनएस रिसोर्स रिकॉर्ड्स फॉर द स्पेसिफाइड इंटरनेट होस्ट नेम। सिंटैक्स डीएनएस गेट रिकॉर्ड वेरिएबल होस्ट टाइप वेरिएबल ऑथोरिटेटिव और एडिशनल रॉ पुट किया गया। पैरामीटर ये फंक्शन जो एक्सेप्ट कर रहा होता है बेसिकली फाइव पैरामीटर मेंशन किए गए डिस्क्राइब किए गए। फर्स्ट आता है वेरिएबल होस्ट, ये जो है वो रिक्वायर्ड पैरामीटर जो स्पेसिफाई कर रहा होता है होस्ट नेम को, जिसमें डीएनएस रिसोर्स रिकॉर्ड किया गया और जो है फाउंड किया गया यहाँ पे। सेकंड आता है वेरिएबल टाइप, ये ऑप्शनल पैरामीटर है, ये स्पेसिफाई कर रहा होता है कि आपका डीएनएस रिकॉर्ड जो है वो किस टाइप का है, किस टाइप से आपने जो सर्च किया और पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे टाइप की पुट की गई वेरिएबल। फर्स्ट आती है डीएनएस ए, डीएनएस यहाँ पे जो है वो सी नेम पुट किया गया और डीएनएस यहाँ पे देखें इनफू सी डबल एम एक्स ये सारे जो है क्लासेस पुट की गई यहाँ पे। अब बात करते हैं कि वेरिएबल ऑथोरिटेटिव, ये जो है एक ऑप्शनल पैरामीटर है जो पास कर रहे होते हैं हम रिफर्ड को रेफरेंस को, और एक जो है वो पॉपुलेटरी रिसोर्स है जिसमें रिकॉर्ड पुट किया जाता है अपने सर्वर का जब हम सेट कर रहे होते हैं। सेकेंड आता है वेरिएबल एडिशनल, इसको पास किया जाता है रेफरेंस, ये भी जो है वो पॉपुलेटेड है जो एडिशनल रिकॉर्ड जो आउटपुट कर रहा होता है जब हम सेट करने के साथ इसे यूज करते हैं। इसके बाद वेरिएबल रॉ, ये ऑप्शनल पैरामीटर है जिसके अंदर बूलियन पैरामीटर आता है और इसको हम सेट करते हैं अगर ट्रू है तो इंस्टेड ऑफ लूपिंग जो है वो टाइप बाय टाइप इसकी क्वेरीज कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आपने किस टाइप का जो है इसमें पुट करना है, और जब आप एड कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन इसलिए जो है उसे यूज कर किया जाता है। इसके बाद रिटर्न वैल्यू है, यहाँ पे जो है वो हम पुट कर रहे होते हैं अरेज ऑफ एसोसिएटिव अरेज और फॉल्स ऑन फेलियर पुट किया गया, यहाँ पे फॉलोइंग कीज पुट की गई हैं। तो फर्स्ट आता है होस्ट, दी होस्ट नेम है क्लास, दिस फंक्शन ओनली रिटर्न्स इंटरनेट क्लास रिकॉर्ड्स ऑलवेज, सो ऑलवेज रिटर्न आई एन। तो इन टाइप यहाँ पे पुट किया गया टाइप, टाइप ऑफ द रिकॉर्ड पुट किया गया। इसके बाद जो है वो डबल टी एल पुट किया गया, टाइम टू लीव और रिमेनिंग फॉर दिस रिकॉर्ड कैलकुलेटेड एज ओरिजिनल, यहाँ पे जो है वो टाइम टू लीव माइनस द लेंथ ऑफ द टाइम पास सिंस द सर्वर वाज रिक्वायर्ड वाज क्वायर्ड। तो यहाँ पे जो है पुट किया गया नॉट, ये फंक्शन जो है वो अवेलेबल है पीएचपी 5.0 वर्जन के लिए। तो यहाँ पे जो है पुट किया गया एग्जांपल वन, पीएचपी स्कैपिंग ओपनिंग टैग प्रिंट आर डीएनएस गेट रिकॉर्ड पुट किया गया एक्सवर की और डीएनएस एमएक्स क्लास पुट की गई है। आउटपुट जो है वो यहाँ पे देखें कि अरे जीरो पुट किया गया, अरे होस्ट नेम है, उसके बाद एक्सवर की क्लास पुट की गई है आई एन, यहाँ पे जो है वो टाइम टू लीव पुट किया गया, टाइप पुट की गई है एम एक्स क्लास टारगेट, ये सारा जो है आउटपुट जो है रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे सोर्स वगैरह। सेकंड एग्जांपल है जिसमें सिस्टमेटिक आउटपुट पुट किया गया पीएचपी स्कैपिंग ओपनिंग टैग, वेरिएबल जो पुट किया गया जिसमें आप डीएनएस गेट रिकॉर्ड पुट करेंगे इक्स फॉर की और डीएनएस मैक्सिमम फॉर इच जो मेथड यहाँ पे यूज किया गया। अगेन फॉर इच वेरिएबल यहाँ पे अरे एज वेरिएबल की पुट किया गया, वेरिएबल वैल्यू इको वेरिएबल की जिसमें आप वेरिएबल वैल्यू डॉट पी आर जो है क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इको जो है यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आउटपुट जो है यहाँ पे आप देखें कि किस तरीके से जो है वेबसाइट पर जो है जो होगा जिसमें आप देखें geekchua.apz.com पुट किया गया, ये डीएनएस रिकॉर्ड पुट किया गया ऊपर और यहाँ पे होस्ट नेम पुट किया गया, क्लास है, उसके बाद जो है टाइम टू लीव है, टाइप पुट की गई है, प्राइवेट टारगेट, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्प्ले की गई है स्क्रीन पर, ये सारा कुछ यहाँ डिस्प्ले किया गया स्क्रीन देख सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है जिसमें ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल टाइप पीएचपी स्कैपिंग ओपनिंग टैग वेरिएबल डोमेन पुट किया गया geekswargeek.org सिंगल टाइप डीएनएस गेट रिकॉर्ड वेरिएबल डोमेन डीएनएस ए। अगेन इस तरीके से आपने क्लासेस पुट करनी है डीएनएस ए, उसके बाद सी नेम है, उसके बाद इनफो डबल सी डबल एम एक्स एन एस पी टी आर एसओ ए टी एक्स टी और फोर्थ ए, ये सारी आपने जो है क्लासेस पुट करनी है, सिंगल टाइप डीएनएस गेट रिकॉर्ड डोमेन आपने पुट करनी है और यहाँ पे फंक्शन पुट किया गया सिंगल टाइप डीएनएस गेट रिकॉर्ड वेरिएबल डोमेन वेरिएबल टाइप इको जो है बी आर न्यू सिंगल एंड ब्रेक कर है, वेरिएबल टाइप बी आर न्यू सिंगल एंड ब्रेक कर है और यहाँ पे जो है वो स्लैशेस पुट की गई हैं और यहाँ पे बी आर जो है न्यू सिंगल एंड ब्रेक कर है, डीएनएस गेट रिकॉर्ड डोमेन टाइप पुट की गई है, फॉर इज इसमें आप जो है वो अरे एज की पुट कर रहे हैं, वेरिएबल वैल्यू इको वेरिएबल वैल्यू इको पुट किया गया, बी आर क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आउटपुट जो है यहाँ पे देखें कि यहाँ पे वन पुट की गई है, उसके बाद होस्ट पुट किया गया, क्लास टाइम टू लीव टाइप और आईपी एड्रेस पुट किया गया। अगेन 16 की बार करूँ इस तरीके से जाओ स्क्रीन पर आपके सामने आउटपुट जो है डिस्प्ले किया जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज एवरीवन।